हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि संसार का नाम है दुखालय, फिर भी लोग सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा सा मोटे हो जाएंगे तो हमारा शरीर सुखी हो जाएगा, या हम पतले हो जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। कैसे हो सकते हैं, जगत का नाम ही दुखालय है। यहाँ की कोई भी वस्तु आपको सुख नहीं दे सकती, इस भौतिक जगत की कोई भी वस्तु आपको सुख नहीं दे सकती। सारा भ्रम है कि हमको ये सुखी कर देगा या वो सुखी कर देगा, हमारे को कोई सुखी नहीं कर सकता। ठीक है, भगवान रामचंद्र जब वनवास में थे तो निषाद राज गो को बहुत दुख हो रहा था कि आप लोगों को बहुत दुख मिल रहा है, आप लोग ऐसे वन वन भटक रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आपको दुख जिसने दिया उसका भी अच्छा नहीं होगा, इस प्रकार से। तो लक्ष्मण जी निषाद राज गो को समझा रहे हैं कि कोई न काहू सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ठीक है, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। यही तो भगवान ने हमको माया में डाल के रखा हुआ है, यही तो माया देवी का जाल है। हमको लगता है कि ये व्यक्ति ये मुझे सबसे ज्यादा दुख देता है और ये व्यक्ति ये मुझे बहुत सुख देता है, इससे हम और फंसते हैं। दो तरीके से फंसते हैं, कैसे, इससे द्वेष के बंधन में फंसते हैं और इससे राग के बंधन से फंसते हैं। तो राग द्वेष की बेड़िया हमको दोनों पाँव को जकड़ लेती है और हम चाह कर भी इस भाव बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। इसीलिए हमको कोशिश ये करना है, ये सोचने की ना तो ये मुझे सुख दे सकता है और ना ये मेरे को दुख दे सकता है। ये जो कुछ भी चल रहा है ये सब प्रकृति के तीन गुणों की जो तीन गुण है उनकी वजह से ये सब हो रहा है, बाकी कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, हमको बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। हम आगे चर्चा कर रहे थे कि राजा क्या बोल रहे हैं, यह सुंदर शरीर जीवितावस्था में राजसी हो सकता है किंतु मृत्यु के उपरांत एक राजा के शरीर को भी पशु खाते हैं। हाँ, सुंदर लगता है ना शरीर देखने में किसी किसी का, एकदम मोटा गदराया सा बदन और क्या गोरी चमड़ी देख करके बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप उसको देखिए और देखते 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 ये सोचिए कि ये गोरी चमड़ी को भी एक दिन राख बन जाना है, काली राख। किसी की गोरी राख देखी है, सफेद कलर की राख देखी है किसी शरीर की, चाहे कितनी भी गोरी चमड़ी का शरीर रहा हो, राख तो काली ही बनेगी। और उस राख को क्या आप घर में लाके रखोगे, ओ ये वो बहुत प्यारी लड़की है जो बहुत सुंदर थी एक समय में, इसकी राख को मैं अपने घर में रखूंगा और रोज थोड़ा थोड़ा अपनी सब्जी में मिला के खाऊंगा, नहीं नहीं कर सकते। चाहे कितनी भी आपको आसक्ति उस व्यक्ति में रही हो, उसकी राख को आप घर में तक नहीं लाओगे ये बोल के कि ये अपवित्र है, कोई लाएगा अपने घर में, नहीं, अपवित्र है, आपका घर अपवित्र हो जाएगा इस ऐसे कार्य करने से। ठीक है, सब देखते हैं, सुंदर जहां दिखता है ना सब देखते हैं। पहले भी एक बार क्लास में मैंने उदाहरण दिया था, श्रील प्रभुपाद एक बार ट्रेवल कर रहे थे फ्लाइट में, श्रील प्रभुपाद के सामने एक फ्रेंच एयर होस्टेस खड़ी थी, फ्रेंच फ्रेंच यानी कि फ्रांस की लड़की, ठीक है, वो फ्रांस देश की थी, तो फ्रेंच लड़की थी एयर होस्टेस, प्रभुपाद के सामने खड़ी थी। प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल जगत जीवन प्रभु जी को बोला कि ये देख रहे हैं कितनी सुंदर है, उसने सुन लिया, वो प्रभुपाद को बोल रही है थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। चलो प्रभुपाद बोल रहे हैं दिस इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट, दिस इज अ ट्रुथ।
ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं, ये सच्चाई है। तुम सुंदर हो, ये पागल है, ये काला है, ये गोरा है, लेकिन हम किसी में इंटरेस्टेड नहीं है। श्रील प्रभुपाद बोलते थे कोई कितना भी सुंदर हो, हमको इंटरेस्ट नहीं जागता उसमें, हमको उसमें आसक्ति नहीं होता। श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्ति बोल सकते हैं ऐसी बात, ठीक है। आप कभी एक्सपीरियंस करके देखना, बहुत सुंदर कोई दिखे ना एकदम गोरी चमड़ी का और बहुत सुंदर कद काठी का, देखते 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 विचार करना, ये गोरी चमड़ी भी एक दिन जल के भस्म हो जाएगी, ठीक है। और भस्म होने से पहले तो लटक जाएगी, बहुत बुरा बहुत गंदा दिखेगा, कोई पास नहीं आएगा। जो उस गोरी चमड़ी को अपना बोल करके पति पत्नी बना करके लाया है, वो पति भी उसके पास जाने की इच्छा नहीं होगी उसको, है ना। ये कटु सच्चाई है इस मानव शरीर की, लेकिन हम समझना नहीं चाहते हैं। कोई मतलब कितना भी सुंदर हो, अंततः कितना कितना दर्दनाक अंत होता है हर सुंदर चेहरे का। यहाँ से चमड़ी लटक जाती है, यहाँ से चमड़ी लटक जाती है, यहाँ से पूरी चमड़ी लटक जाती है। अरे कृष्णा बाबा जी, लटका हुआ है क्या आपकी तो सारा चमड़ा लटक के? आपकी तो मां जगह आपने देखा ही होगा, आपकी मां अवस्था है अभी, है ना। माता जी कुछ आदमी समझते हैं लेकिन कहते हैं कि अरे जब होगा तब ना, अभी तक अभी तो मतलब अभी तो ठीक ठाक हम रहे, ऐसा भी आदमी के अंदर भावना होता है ना, अभी जब होगा तब तो सबको होगा। इंजॉय शब्द बहुत यूज करते हैं लोग संसार में। जी जी माता जी, वही बात, जब होगा तब ना। भागवतम क्लास वहां पर मैंने एक चीज कही थी, याद हो आप लोगों को, क्या कहा था कि हॉस्पिटल या जेल या नशा मुक्ति केंद्र में कौन एंजॉय करता है, आप थोड़ा विचार करके बता दीजिए। हॉस्पिटल में आप एंजॉय, आपकी माता हॉस्पिटल जाती वहां एंजॉय करने जाती, पार्टी करने नहीं, स्वस्थ होने के लिए जाती है। नशा मुक्ति केंद्र में व्यक्ति क्यों जाता है, एंजॉय करने के लिए नहीं, नशे से मुक्ति पाने के लिए। या जेल में कोई व्यक्ति क्यों जाता है, अपनी सजा काटने के लिए। वहां कोई एंजॉय करने जाता है कि मैं जाकर के अंदर बहुत अच्छे से पार्टी करूंगा सारे मेरे साथ वाले कैदियों के साथ, और खूब नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे मूवी देखेंगे गाना गाएंगे, नहीं, ऐश करने जाते हैं एंजॉय करने जाते हैं अंदर नहीं। लेकिन संसार में लोग एक बहुत ही भ्रांत धारणा लेकर घूम रहे हैं, वो ये कि हम तो एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो किसी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो एंजॉय हो रहे हैं, प्रकृति उनको एंजॉय कर रही है, प्रकृति हम सबको एंजॉय कर रही है, ठीक है। एंजॉयर एकमात्र कृष्ण है। भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं भोक्ताराम भोक्ताराम यज्ञ तपसा, एकमात्र मैं ही भोक्ता हूं और कोई भोक्ता नहीं है। लेकिन इंसान अपने आप को एंजॉय करने वाला बता रहा है, ठीक है। आप अभी आपको लग सकता है कि आप एंजॉय कर रहे हैं लेकिन आप इंजॉय कर नहीं रहे। जैसे कि बोला जाता है कि मैं सिगरेट पी रहा हूं, आप सिगरेट नहीं पी रहे हो, सिगरेट आपको पी जा रही है धीरे धीरे, उसी प्रकार से है। आप इंजॉय नहीं कर रहे, आप इंजॉय हो रहे हैं। तो बहुत सारी मूर्खता वाली बातें हैं जो संसार में लोग करते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं। वही चीज यहाँ पे राजा मुचकुंद बोल रहे हैं कि मैं यद्यपि मैं सोचता था कि मैं एक राजा हूं, राजा को जो है राजा का शरीर भी बहुत सम्मान के साथ में, लेकिन राजा का शरीर हो या जो चांडाल होता है दाह संस्कार करने वाला शमशान में, शरीर की गति तो तीन ही होती है, चाहे राजा हो या चांडाल हो, बताया ना, तीन ही गति होगी।
क्रमी बीट भस्म संज्ञान्तम, या तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, जैसे गाड़ दिया जमीन में तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, बीट यानी कि अगर जंगल में फेंक दो या जल में बहा दो तो जानवर खा के विष्टा कर देंगे, भस्म जला दो तो भस्म हो जाएगा, राख बन जाएगा। इससे चौथी गति होती नहीं है शरीर की। वही चीज यहाँ पे राजा मुचकुंद बोल रहे हैं कि मैं ये समझता था कि मैं राजा हूं तो नहीं, लेकिन अभी मुझे समझ में आ रहा है कि मृत्यु के उपरांत एक राजा के शरीर को भी पशु ही खाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल महाभारत का युद्ध हुआ था तो क्या सबको वहां पे दाह संस्कार कर पाए होंगे? इतनी जनता मरी थी, कितने कितने राजा को तो चील कौवे ही खा गए होंगे, जो अपने समय में राजा थे, राजा राजसी ठाट बाट, हम किसी के आगे नहीं झुकते, सारी दुनिया हमारे सामने झुकती है, वो ना झुकने वाले पड़े हुए सड़ रहे, बदबू मार रहे हैं, चील कौवे नोच नोच के खा रहे हैं। ठीक है, वही चीज राजा मुचकुंद यहाँ पर बोल रहे हैं कि यद्यपि हम सबको ये भ्रम रहता है कि हम बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं या बहुत बड़ी हमारी कुछ एक पोजीशन है सोसाइटी में, लेकिन वो बड़ी से बड़ी पोजीशन वाले भी आखिरकार तीन ही गति को प्राप्त कर पाते हैं, शरीर, मैं शरीर की बात कर रही हूँ। तो जो लोग शरीर में आ सकते हैं उन लोगों को थोड़ा संभल जाना चाहिए। अतएव वह विष्ठा में परिवर्तित हो जाता है, अथवा उसे श्मशान में जला दिया जाता है और वह भस्म बन जाता है, अथवा उसे कब्र में दबा देते हैं जहां इसमें से भिन्न भिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़ों की उत्पत्ति होती है। कीड़े मकोड़े, आपने द मम्मी मूवी देखी है? द मम्मी हॉलीवुड की मूवी है, विदेश की मूवी है। जी जी देखिए जी, माता जी देखते हुए उसमें मम्मी बना के रख दिया जाता है, लेकिन उसमें से कीड़े बन जाते हैं, शरीर में से कीड़े बन जाते हैं। ठीक है, तो टॉक शो में एक मुद्दा उठाया गया था कि क्यों जला दिया जाता है, तुरंत क्यों शरीर को समाप्त किया जाता है, क्योंकि आत्मा जो है ना, आत्मा शरीर में यद्यपि निकलने के बाद आत्मा प्रविष्ट नहीं हो सकता शरीर में, बहुत कोशिश करता है आत्मा शरीर में से, जब आत्मा निकल जाता है ना तो उसको बहुत दुख होता है, ओ मुझे शरीर में से निकलना पड़ गया, अब मैं कहाँ जाऊं, बार 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 उसमें घुसने की चेष्टा करता है आत्मा, लेकिन घुस नहीं पाता। तो क्योंकि आत्मा की आसक्ति उस शरीर के अंदर है, उस आसक्ति को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए या तो उसको जला देना चाहिए या बहा देना चाहिए या गाड़ देना चाहिए, ठीक है, या फेंक देना चाहिए जंगल में, पशु पक्षी खा लेंगे, लेकिन उसको रखना नहीं चाहिए वरना आसक्ति बहुत हो जाती है। परिवार की तो आसक्ति खत्म हो जाती है, अगर रहती तो वो जलाते क्या, बोलिए, बहुत आपके प्रेमी स्वजन आपको ले जा करके जला देते हैं, सब आसक्ति खत्म हो जाती है। उसके बाद आसक्ति किससे रहती है, चलो अच्छा है ये मर गया, अब इनके बाद इनका जितना भी पैसा है, अलमारी खोलो कहाँ है चाबी, जल्दी पेटी कहाँ है जिसमें इन्होंने पैसा गड़ा धन रखा था, गई डोकरी अम्मा गई, अब खोल के देखो अलमारी में क्या क्या रखा है छुपा के, आज तक तो देखा नहीं खोल के हमने। सबसे पहला काम क्या करते परिवार के लोग, जला के आने के बाद रूम के अंदर जाके देखते हैं क्या क्या इकट्ठा करके रखा है इतने सालों में, वो सब दबोच लो, हथिया लो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पिछले साल मेरी माँ की माँ यानी कि मेरी नानी माँ का देहांत हुआ, उनके शरीर पे कितने सारे सोने के गहने थे, एक बड़े से कान में सोने के टाप, सोने की चेन से वो बंधे हुए थे कान के, क्योंकि कान उनके बहुत लटक गए थे ना, तो वो सोने की चेन से उसको पहनती थी, गले में एक सोने की चेन, अंगूठी दो तीन, लेकिन श्मशान ले जाने के टाइम पे वो सब कहाँ गए कुछ पता नहीं। मेरी माँ को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी उसमें से, और जो मामा जी मेरे, मेरी माँ के भाई, इकलौते अपने आप को बताते थे कि अब मेरी माँ के बाद सारी संपत्ति पे मेरा अधिकार है,
मेरी नानी के जाने के 11वें दिन ही गुजर गए। ठीक है, अब वो मामी जी भी अकेली रह गई। प्रभु की माया, संपर्क प्रभु की माया, जो सोच रहे थे वे उनको तो भोग नहीं, वो तो नहीं भोग पाए। और दूसरी बात ये, जब मेरी नानी का देहांत हुआ तो बहुत पूरा कुनबा इकट्ठा होकर के उनका पूरा 10 दिन का उत्सव मनाया, लेकिन 11वें दिन जब मामा गुजर गए ना, तो उनको कंधा देने के लिए भी कोई नहीं जा पाया क्योंकि उनको कोरोना हुआ। केवल मेरे मामा का लड़का है, मेरा भाई, वो बस एम्बुलेंस में ले जा करके, स्मशान में ले जा करके जला दिया। कंधा देने के लिए भी कोई परिवार का सदस्य नहीं, कंधा देना तो दूर देख भी नहीं पाया कोई आखिर में। ठीक है, देखिए, तो जो लोग बहुत ज्यादा अपने आप को 30 मार्खा बताते हैं, उनकी ऐसी गति होती है। ठीक है, इसीलिए हमको यथासंभव विनम्र होना चाहिए। और विनम्रता कैसे आएगी? क्या किया जाएगा? माफा जी, कोई आदमी बहुत, विनम्रता आती है वैष्णव सेवा से, या विनम्रता आती है ऐसे वैष्णवों का संग करने से जो विनम्र हैं। माता जी कहाँ गए? माता जी, हरे कृष्णा माता जी, बोलिए सुन रहे हैं। हाँ, एक आदमी है, वो भक्ति में बहुत लीन है, माने राधा कृष्ण का मूर्ति रखे हुए हैं और हर 15 रुपए नया नया ड्रेस पहनाना और लड्डू गोपाल का भी सेवा करना और राधा कृष्ण का भी सेवा करना, खूब अच्छे से सेवा करती है, खूब अच्छा भक्ति करती है और वैष्णव हो गई है। और वो मतलब जब बात करिए तो झिड़कते रहती है, एकदम मतलब अजीब टाइप से बात करने लगती है। अब भक्ति में क्या ये सब अच्छा लगता है क्या? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? राम राम, हरे हरे। मतलब जब भी बात की तो गुस्सा में बात किया जाता है, कि इतना भक्ति करने के बाद गुस्सा में बात करना है तो उचित नहीं लगता है हमको। ऐसा नहीं है प्रभु जी, अब वैकुंठ में नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैं वही आपसे चर्चा कर रही थी, अब वैकुंठ में नहीं है जहाँ पे आपको सब भगवान के दास बोल के मिलेंगे। यहाँ पर कोई विनम्र नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, जिसमें थोड़ी बहुत विनम्रता है वो कृपा मान लीजिए भगवान की। ये वैकुंठ नहीं है, ये मृत्यु लोक है। ठीक है, ये दुखालय है। मतलब जब नहीं है तो ढंग से बात नहीं करना है, जब मतलब था तो ढंग से बात किया जाता था। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, हम यही तो उस दिन हम क्वेश्चन किए थे प्रभु जी से, पूछे थे कि प्रभु जी अगर जैसे कृष्ण भगवान के ऊपर का जो भी कोई बोलता था, उनको जो कुछ भी बोलता था, हंस हंस करके उसको मतलब जवाब देते थे, मतलब एक थोड़ा भी चेहरे पर सिक्कन नहीं आता था, वैसा तो हम लोग नहीं है। तो हम लोग वही बोले हम कि प्रभु जी अगर सामने में कोई गाली दे रहा है, कोई अनाप शनाप बोल रहा है, तो हमको क्या मतलब उसको गाली तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन कुछ बोल तो सकते हैं। अब बोल सकते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा गुस्सा भी निकल जाए, गुस्सा के साथ भी कुछ निकल जाए। तो यही बात हम प्रभु जी से न पूछ सकते कि क्या किया जाएगा, उतना तो हम लोगों का मतलब सहन शक्ति उतना नहीं है, और शक्ति है तो गाली तो नहीं, लेकिन कुछ बात तो बोल सकते हैं, गाली तो नहीं आएगा मुंह से। जैसे जैसे ज्ञान मिलता है वैसे वैसे आदमी यूज करता है, तो अभी ज्ञान उस तरह का मिल रहा है तो ये सब बहुत खराब लगता है। ठीक है, गाली दे भाई, हम तो कहते हैं कि भाई ठीक है गाली दो, हम गाली तो सुन लेंगे,
जो भी है कोई भी है, गाली तो गाली सुन लेंगे लेकिन बात नहीं करेंगे तो फायदे से ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि बात भी कोई गाली, कोई उल्टा गाली देगा तो मेरे देह में थोड़ी लग जाएगा गाली। कोई गाली दे रहा है तो मेरे देह में थोड़ी लग जाएगा गाली। गाली दे रहा है तो अपना सुनो। प्रभु जी कान तो है ना, कान से सुनता है बहिर हो जाता, काम तो आदमी नहीं सुनता लेकिन सुनने पर थोड़ा सा ठीक है, उसको भी कोशिश किया जाता है कि हे प्रभु बर्दाश्त करने की शक्ति दीजिए, और क्या मेरे मुंह से कुछ गलत बात नहीं निकले। लेकिन हमको चेष्टा ये करनी कि ऐसी चीजों से हम दूर रहें, ठीक है? इनमें हमारा टाइम वेस्ट होता है असल में देखा जाए तो। आप सोचिए किसी से आप झगड़ा करने जाएंगे तो आधा पौना घंटा आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? इससे अच्छा आप उतनी देर में प्रभुपाद की कोई बुक का एक पेज पढ़ लेंगे, है ना? उससे कुछ फायदा मिलेगा। हमको चेष्टा ही करनी चाहिए कि ज्यादा किसी से झगड़ा करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए हमको, है ना? ठीक है, तो आज के सत्र को यही विश्राम देते हैं, बहुत टाइम हो गया। पंचा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सीताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।